हाय फ्रेंड्स, मैं रेडियल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो ये हमारा छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास का हमारा ये फोर्थ पार्ट है और ये हमारा लास्ट पार्ट है आधुनिक इतिहास का छत्तीसगढ़ का, जो कि बाकी थर्ड पार्ट जो कि पहला और दूसरा जो कि तीन पार्ट डाल चुका है। अगर वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाकर देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम पे बेस्ट बनाया गया, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का फोर्थ वीडियो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को कवर करते हैं। तो 150 क्वेश्चन तक कवर हुआ था, इसके बाद आप आगे बढ़ते हैं। तो हमारा 150वां क्वेश्चन है, 1962 में तिब्बती शरणार्थियों में एक समुदाय छत्तीसगढ़ में कहाँ बसाया गया था। तो 1962 में जो तिब्बत के शरणार्थियों को, जो एक समुदाय को छत्तीसगढ़ में कहाँ बसाया गया था, मैन पार्ट में इन लोगों को बसाया गया था 1962 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में देवपाल मोची कहाँ पर मंदिर स्थापित करवाया था। तो रतनपुर, पाली, खल्लारी, नवागांव। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपके, खल्लारी। तो ब्रह्मदेव राय के काल में जो देवपाल मोची ने लगभग 1415 ईस्वी में खल्लारी में विष्णु मंदिर का जो कि निम्न यहाँ पे करवाया, तो खल्लारी में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो यहाँ देवपाल मोची ने यहाँ पे करवाया गया था इस मंदिर के स्थापित। तो इसका सी ऑप्शन खल्लारी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोमवंश के आदि पुरुष का क्या नाम है। तो सरपुर, उदयन, शिवगुप्त, डी है इनमें से कोई नहीं, इसका सी सही हो जाएगा, शिवगुप्त। तो सोमवंश के आदि पुरुष का जो कि शिवगुप्त नाम था, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी ने छत्तीसगढ़ के प्रथम प्रवास में जन सामान्य के किस समस्या के समाधान हेतु इन्होंने भाग लिया था। तो नहर कर विवाद या भूमि कर विवाद या उद्योग कर विवाद या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, नहर कर विवाद में जो कि गांधी जी ने छत्तीसगढ़ के प्रथम प्रवास में इन्होंने जन सामान्य के इस समस्या के समाधान हेतु इन्होंने भाग लिया था, तो इसका नहर कर विवाद में इन्होंने भाग लिया था, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में जमींदारी प्रथा की स्थिति का अध्ययन किसने किया था। तो डॉक्टर मिस्टर स्मिथ ने, या मिस्टर स्कॉट ने, या मिस्टर रिचर्ड टेम्पल ने, या मिस्टर आउटडेरम ने, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, मिस्टर रिचर्ड टेम्पल ने। तो इसका छत्तीसगढ़ में जमींदारी प्रथा की स्थिति का अध्ययन मिस्टर रिचर्ड टेम्पल ने इन्होंने किया था, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बस्तर के आदिवासियों ने किस वृक्ष के काटे जाने पर प्रसिद्ध कोई विद्रोह किया था। तो साल, सागौन, पीपल या महुआ, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, साल। तो बस्तर के आदिवासियों ने जो साल वृक्ष के काटे जाने पर उन्होंने प्रसिद्ध कोई विद्रोह इन्होंने किया था, तो यह विद्रोह जो कि 1859 में जो कि दक्षिणी बस्तर में हुआ था, तो याद रखिए डेट भी याद रखिएगा, 1859 में जो कि दक्षिण बस्तर में हुआ था, तो जिस विद्रोह को नाम दिया था कोई विद्रोह, तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, साल वृक्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में बौद्ध धर्म कब स्थापित हुआ था। तो 7वीं सदी में, 8वीं सदी, 6वीं सदी या 9वीं सदी में, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 6वीं सदी। तो छत्तीसगढ़ में बौद्ध धर्म आपके 6वीं शताब्दी में स्थापित हुआ। तो इस काल में सिरपुर बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण केंद्र जो कि विख्यात हुआ था, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 6वीं सदी में छत्तीसगढ़ में बौद्ध धर्म स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त वंश के स्वर्ण सिक्के निम्नलिखित में छत्तीसगढ़ के किस जिले से प्राप्त नहीं हुए हैं। तो बिलासपुर, बस्तर, रायपुर, दुर्ग, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़ के बाणावरा जिला दुर्ग में गुप्तकालीन सिक्के मिले हैं तथा रायपुर के आरंग में भी गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे सेवा समिति का गठन किसने किया था। तो बैरिस्टर छेदीलाल ने, डॉक्टर खूबचंद बघेल, माधवराव सप्रे, डी है वामनराव लाखे। तो सेवा समिति गठन आपके बैरिस्टर छेदीलाल ने इन्होंने किया था समिति, सेवा समिति गठन, तो सेवा समिति गठन जो कि बैरिस्टर छेदीलाल ने किया था, ये बिलासपुर जिले के प्रथम बैरिस्टर थे। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, बिलासपुर जिले के प्रथम बैरिस्टर थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य की मांग सर्वप्रथम 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में जो कि किसने उठाई थी। तो पंडित वामनराव लाखे, ई राघवेंद्र राव, पंडित सुंदरलाल शर्मा, या डी है पंडित रविशंकर शुक्ल, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पंडित लाल सुंदर शर्मा जी, जो कि नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य की इन्होंने मांग सर्वप्रथम 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में उसने जो कि आवाज़ इन्होंने उठाई थी, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पंडित सुंदरलाल शर्मा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 179 में राजा गोपाल देव ने किस मंदिर का निर्माण करवाया था? तो डिंडनेश्वरी मंदिर, राजीलोचन मंदिर, भोरमदेव मंदिर या सिद्धेश्वर मंदिर। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, भोरमदेव मंदिर। तो वर्ष 189 में फड़ी नागवंश के राजा गोपाल देव ने भोरमदेव मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया था। इसका नामकरण गोंड देवता भोरमदेव पर इन्होंने किया था। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, भोरमदेव मंदिर। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के चित्तौड़ किसे कहा जाता है? धरमजयगढ़, रायगढ़, भोरमदेव, लाफागढ़। तो छत्तीसगढ़ के चित्तौड़ आपके लाफागढ़ को कहा जाता है। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रागैतिहासिक काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक के चित्रित शैलश्रय कहाँ है? तो कुटुम्बसर, चंद्रखुरी, रायपुर, सिंघनपुर आपके रायगढ़ या रामगढ़ी पहाड़ी। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सिंघनपुर रायगढ़ में, जो कि प्रागैतिहासिक से लेकर ऐतिहासिक काल तक के जो चित्रित शैलश्रय यहाँ पे पाया गया है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सिंघनपुर रायगढ़। यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है, बूढ़ी खार मल्हार से प्राप्त छत्तीसगढ़ की प्राचीनतम मूर्ति किसकी है? तो चतुर्भुजी विष्णु की प्रतिमा, या नटराज जी की प्रतिमा, या विष्णु की प्रतिमा, या बुद्ध की प्रतिमा। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, चतुर्भुजी विष्णु प्रतिमा आपके बूढ़ी खार मल्हार से, जो कि यहाँ से प्राप्त छत्तीसगढ़ की प्राचीनतम मूर्ति पाई गई है। तो बूढ़ा खार मल्हार से प्राप्त छत्तीसगढ़ की प्राचीनतम मूर्ति चतुर्भुजी विष्णु की प्रतिमा है। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नगरी सिहावा जंगल सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो श्यामलाल सोम, विश्वंभर, नारायण राव मेघावाले या छोटे लाल श्रीवास्तव। तो नगरी सिहावा जंगल सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, श्यामलाल सोम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभिलेखित साक्ष्य के अनुसार सिरपुर का प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर जो ईंटों से निर्मित भारत के सर्वोत्तम मंदिरों में से एक है, जो कि निर्माण काल किस समय माना गया है? तो 443 ईसा पूर्व, या 650 BC, या 840 ईस्वी, या 1030 ईस्वी। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 650 ईस्वी में, जो कि अभिलेखित साक्षकनाथ सिरपुर के जो प्रसिद्ध मंदिर है लक्ष्मण मंदिर, जो कि ईंटों से निर्मित भारत के सर्वोत्तम मंदिरों में से एक है। तो इसका जो निर्माण काल है लगभग आपका 650 ईस्वी में, जो कि इस समय माना जाता है। तो यह जो लक्ष्मण मंदिर है, जो कि लाल ईंटों से निर्मित, जो कि भारत के सर्वोत्तम मंदिरों में से एक है, तो इसका जो निर्माण तिथि है 650 ईस्वी में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के सभी रियासतों में कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1947, 1946, या 1944, या 1942 में। तो छत्तीसगढ़ के सभी रियासतों के कांग्रेस की स्थापना 1946 में हुई थी। इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1946। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डोंडी लोहारा दुर्ग किसान आंदोलन से जुड़े हुए नेता कौन थे? सरयू प्रसाद अग्रवाल, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, एक और दो, दोनों या डी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, जो कि डोंडी लोहारा दुर्ग किसान आंदोलन जुड़े हुए नेता सरयू प्रसाद अग्रवाल और नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। इसका सही आंसर हो, एक और दो, इसका सही आंसर हो जाएगा, सरयू प्रसाद अग्रवाल और नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, जो कि डोंडी लोहारा दुर्ग किसान आंदोलन दोनों व्यक्ति जुड़े हुए नेता हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाकांतार की पहचान किस क्षेत्र से की जाती है? तो महानदी घाटी का क्षेत्र, बस्तर सी हवा, जंगली प्रदेश, या रायगढ़ का क्षेत्र, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, महाकांतार की पहचान आपके बस्तर सी हवा के जंगली प्रदेश क्षेत्र से की जाती है। तो महाकांतार की पहचान बस्तर सी हवा जंगल प्रदेश की क्षेत्र के अंतर्गत आती है। छत्तीसगढ़ बुनकर सहकारी संघ की स्थापना ठाकुर प्यारेलाल ने नेतृत्व में कब हुई थी? तो 1945, 1942, 1941, या 1948 में। तो छत्तीसगढ़ बुनकर सहकारी संघ की स्थापना ठाकुर प्यारेलाल जी के नेतृत्व में आपका 1945 में हुई थी। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 1945। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसने पत्र बम के द्वारा सांकेतिक प्रहार की क्रांतिकारी योजना प्रस्तुत की थी? तो श्याम नारायण मिश्र हर्षुल है, इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, जी को उन्हें पत्र बम के द्वारा सांकेतिक प्रहार की क्रांतिकारी योजना इन्होंने प्रस्तुत की थी, श्याम नारायण मिश्र हर्षुल ने। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में आर्यों को प्रवेश एवं प्रसार किस काल में हुआ है? तो उत्तर वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल में, या पाषाण काल में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में आर्यों का प्रवेश एवं प्रसार काल माना जाता है आपके उत्तर वैदिक काल में। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में मिले मिट्टी के परकोटों वाले गढ़ों का संबंध मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेख से उल्लेखित किस राज्य से जोड़ा जाता है? तो पांड्या, आठवीं या चोल या दक्षिण कोसल। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, आठवीं। तो छत्तीसगढ़ में मिले मिट्टी के परकोटों वाले गढ़ों का संबंध मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेख में उल्लेखित आठवीं राज्य से जोड़ा जाता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, आठवीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजा दशरथ की पत्नी कौशल्या किस राज्य के नरेश की पुत्री थी? तो उत्तर पांचाल या दक्षिण पांचाल या दक्षिण कोसल या प्राग कोसल। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, दक्षिण कोसल। तो राजा दशरथ की पत्नी कौशल्या आपके दक्षिण कोसल राज्य के नरेश भानुमन की पुत्री थी, और भानुमन के कोई पुत्र न होने के कारण दक्षिण कोसल राज्य दशरथ के राज्य में मिल गया और अयोध्या का हिस्सा बन गया। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दक्षिण कोसल में महात्मा बुद्ध के आगमन एवं 3 माह तक श्रावस्ती में निवास का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो भैनसांग के यात्रा वृतांत में, अवधान शतक में या आहार्य स्मृति में या एक या दो, दोनों में। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, दक्षिण कोसल में महात्मा बुद्ध के आगमन एवं 3 माह तक श्रावस्ती में निवास का उल्लेख आपके भैनसांग के यात्रा वृतांत और अवधान शतक में मिलता है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रुद्री नवागांव धमतरी वंश सत्याग्रह में कौन सी पुलिस गोली से मारा गया है? तो दाऊद मारसी, बाजीराव कृदंत या मिट्टू कन्हार या विश्वंभर पटेल। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मिंटू कुम्हार। तो रुद्री नवागांव धमतरी वंश सत्या जो वंश सत्याग्रह अगस्त 1930 में प्रारंभ हुआ था, यह सत्याग्रह यह एक आक्रमण जो कि एक आक्रामक आंदोलन था। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मिंटू कुमार। यह रुद्री नवागांव धमतरी वंश सत्याग्रह में जो कि पुलिस की गोली से मारा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वाकटक नरेश के शासनकाल में दक्षिण कोसल पर वाकटकों का अधिकार प्रथम बार स्थापित हुआ था? तो रुद्रसेन प्रथम, प्रवरसेन प्रथम या प्रवरसेन द्वितीय या नरेंद्र से द्वितीय। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रवरसेन प्रथम जो कि यह तो प्रवरसेन प्रथम जो कि एक वाकटक नरेश के शासनकाल में दक्षिण कोसल पर वाकटकों का अधिकार प्रथम बार स्थापित हुआ। तो किसके शासनकाल में? प्रवरसेन प्रथम के जो कि काल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में स्वयं सेवक संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1930, 1931 या 1932 या 1933 में। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में स्वयं सेवक जो संगठन की स्थापना सन आपके 1931 में हुई थी। इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1931। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नगरी से हवा क्षेत्र के आदिवासियों का जंगल सत्याग्रह किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? 1922, 1927, 1920 या 1926। तो नगरी से हवा क्षेत्र आदिवासियों का जंगल सत्याग्रह आपका 1922 में प्रारंभ हुआ था। तो नगरी से हवा क्षेत्र का आदिवासी का जंगल सत्याग्रह आपके 1922 में प्रारंभ हुआ था। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की रियासतों में एकमात्र प्रथम रियासत कौन थी जिसमें सर्वप्रथम भारत संघ में प्रवेश की स्वीकृति दी थी? तो रायगढ़, खैरागढ़, शक्ति, चांगपखार। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, खैरागढ़। तो छत्तीसगढ़ की रियासतों में एकमात्र प्रथम रियासत खैरागढ़ रियासत थी जिसने सर्वप्रथम भारत संघ में प्रवेश की स्वीकृति दी थी। तो खैरागढ़ रियासत इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। बस्तर के कोरापुट क्षेत्र में नल नागवंश के संस्थापक निम्न में से कौन है? तो अर्थपति, सरप या शिशुक या महेंद्र। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, शिशुक। तो बस्तर के परल कोरापुट क्षेत्र में नल नागवंश के संस्थापक माना जाता है आपके शिशुक को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाभारत में बस्तर के अरण्य क्षेत्रों को क्या कहा गया है? तो कांतार, प्राप कोसल, कोसल या दक्षिण कोसल। तो इसका कांतार सही आंसर हो जाएगा। तो महाभारत में बस्तर के अरण्य क्षेत्र को कांतार कहा गया है, और महाभारत में कोसल, प्राक कोसल, कांतार, बस्तर क्षेत्र का उल्लेख आपके बस्तर से मिलता है। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वेद शिरीष गामस कौशल्या तथा महाभारत महेंद्र से नाम में मुद्रांग किस उत्खनन से प्राप्त हुए? तो सिरपुर उत्खनन, पीपर दुल्हा उत्खनन या मल्हार उत्खनन या किरारी उत्खनन। तो इसका मल्हार उत्खनन सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो महाराजा महेंद्र से नाम के जो मुद्रांग जो कि किस उत्खनन से प्राप्त हुए? तो आपके मल्हार उत्खनन से प्राप्त हुए हैं।
अगला क्वेश्चन है, भूमकाल विद्रोह के सूत्रधार कालेंद्र सिंह कौन थे? तो बस्तर राज्य के दीवान, सुकमा के जमींदार, या जनजातियों के बैगा, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बस्तर राज्य के दीवान। तो भूमकाल विद्रोह के सूत्रधार कालेंद्र सिंह आपके बस्तर राज्य के दीवान थे, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मराठा शासन द्वारा गैर कृषक वर्ग से लिया जाने वाला कर कौन सा था? तो शायर, टकोली, कलाली, या पंडरी। तो इसका पंडरी सही आंसर हो जाएगा। मराठा शासन द्वारा गैर कृषि वर्ग से लिया जाने वाला कर पंडरी था, तथा मादक द्रव्य पर लगने वाला जो कलाली आयात निर्यात कर आपका शायर कर है, तो पंडरी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मराठा शासन द्वारा गैर कृषक वर्ग से लिया जाने वाला कर कौन सा था? तो आपका पंडरी कर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भोसले आक्रमण से भयभीत होकर दलपत देव ने 1770 में बस्तर के स्थान पर किसे अपने राजधानी बनाया था? राजधानी तो मंदोदा, जगदलपुर, बारसूर, सुकमा। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, जगदलपुर। तो भोसले आक्रमण से भयभीत होकर जो राजा दलपत देव ने, उन्होंने 1770 ईस्वी में बस्तर के स्थान पर जो राजधानी बनाई थी वह जगदलपुर थी। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुरातात्विक स्थल डीपर डिकी जिले में स्थित है सरगुजा, बस्तर, कोरबा, रायगढ़। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, सरगुजा। तो पुरातात्विक स्थल डीपरडी सरगुजा जिले के सामरी तहसील के अंतर्गत स्थित है, और यह 1987-88 में यह स्थल प्रकाश में आया है। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, डीपरडी आपके सरगुजा जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कलचुरी और मराठों की प्राचीनतम जो राजधानी के गौरव किसे प्राप्त हुए? तो सिरपुर, रतनपुर, आरंग, राजिम। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, रतनपुर। तो कलचुरी और मराठों के जो प्राचीन राजधानी के गौरव किसे प्राप्त है? तो कलचुरी को प्राप्त है। तो कलचुरी और मराठों के जो प्राचीन राजधानी के गौरव रतनपुर को प्राप्त है, और कलचुरी के जो प्रारंभिक राजधानी तो माड़ थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश कालीन छत्तीसगढ़ में राजस्व मामले में संबंधित समस्याओं के निदान के लिए एक नियमावली थी जिसका नाम क्या दिया गया था? तो सियानविश कमल, दस्तूरे अकबरी, दस्तूर उल अमल, या वासिल बाकी। तो इसका भी इसी ऑप्शन सही हो जाएगा, दस्तूर उल अमल। तो यह ब्रिटिश कालीन छत्तीसगढ़ में राजस्व मामले से संबंधित समस्याओं के निदान के लिए यह एक नियमावली थी जिसका नाम आपका दस्तूर उल अमल दिया गया था। तो यह समस्याओं निदान के लिए इस जो कि जिसको इस नाम से दिया गया था। अगला क्वेश्चन, कोरिया राज्य के संस्थापक नरेश कौन थे? तो राजा मोल सिंह, राजा सत्य प्रकाश, राजा जय प्रकाश, या राजा धारमल शाह। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, राजा धारमल शाह। तो कोरिया राज्य के संस्थापक नरेश राजा धारमल शाह थे, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की इस महान सपूत ने जयंती के दिन कैदी रिहा किए जाते हैं? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा, गुरु घासीदास, ठाकुर प्यारेलाल, या पंडित रविशंकर शुक्ल। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, गुरु घासीदास। तो छत्तीसगढ़ के आपके गुरु घासीदास जो कि महान सपूत के जयंती में जो कि इस दिन कैदी रिहा किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बस्तर में 1876 का मौर्य विद्रोह किस राजा के कार्यकाल में हुआ था? तो दलपत सिंह, भैरव देव, दरिया देव, या कन्हर देव। तो बस्तर में 1876 का मौर्य विद्रोह आपके जो कि भैरव देव के कार्यकाल में हुआ था। तो बस्तर में 1876 का मौर्य विद्रोह राजा भैरव देव के कार्यकाल में हुआ था। मौर्य आदिवासी विद्रोह झाड़ा सिरहा के नेतृत्व में मौर्य आदिवासियों द्वारा यह मुख्य रूप से किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ नवीन राज्य निर्माण के लिए संघर्ष का मूल कारण था? तो आपका जमीन एवं पहचान इसका मूल कारण था। तो छत्तीसगढ़ नवीन राज्य निर्माण के लिए संघर्ष का मूल कारण आपका जमीन और पहचान था। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ मराठा शासन किस पद्धति से संचालित होता था? तो एकल पद्धति, सूबा पद्धति, नारंग पद्धति, या दोहरी पद्धति। तो छत्तीसगढ़ में मराठा शासन आपके सूबा पद्धति से संचालित होता था, तो सूबा पद्धति इसका सही आंसर हो जाएगा, बी आंसर। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? तो आपका छत्तीसगढ़ में कुल 14 रियासत थी जिसमें आपका जो शक्ति है यह छोटी रियासत थी। छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी रियासत शक्ति है, तो यहाँ जो कि छत्तीसगढ़ में कुल 14 रियासत थी। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में प्रथम मराठा सूबेदार कौन था? तो आपका
छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा सूबेदार आपका महिपत राव दिनकर था। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। तो महिपत राव दिनकर आपके छत्तीसगढ़ में प्रथम मराठा सूबेदार माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रसिद्ध कंडेल सत्याग्रह 1920 के सूत्रधार कौन थे? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित रविशंकर शुक्ल, ठाकुर छेदीलाल बैरिस्टर या ठाकुर प्यारेलाल। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, पंडित सुंदरलाल शर्मा। तो इन्होंने प्रसिद्ध कंडेल सत्याग्रह 1920 के इन्हें जो कि सूत्रधार हैं, तो इन्होंने पंडित प्रसिद्ध कंडेल नहर सत्याग्रह 1920 के सूत्रधार पंडित सुंदरलाल शर्मा जी हैं। शासन द्वारा लगाए गए नहर कर के विरोध में यह सत्याग्रह जो कि आरंभ किया गया था पंडित सुंदरलाल शर्मा। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के उग्रवादी नेताओं में से निम्नलिखित कौन नहीं है? तो पंडित रविशंकर शुक्ल, माधवराव सप्रे, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, बाबूराव दानी। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठाकुर प्यारेलाल सिंह जो कि छत्तीसगढ़ के उग्रवादी नेताओं में प्यारेलाल सिंह नहीं थे। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सन 1900 में पेंड्रा रोड जिला बिलासपुर में प्रथम मासिक समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र का जो कि प्रकाशित हुआ था, जिसके प्रथम जो संपादक कौन थे? तो माधवराव सप्रे, पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित रविशंकर शुक्ल या वामन राव लखे। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, माधवराव सप्रे। तो सन 1900 में पेंड्रा रोड जिला बिलासपुर से प्रथम मासिक समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र प्रकाशित किया गया था, इसके जो प्रथम संपादक आपके माधवराव सप्रे थे। क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, याद रखिएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने अंग्रेजों द्वारा जेल बंदियों के अत्याचार पर आधारित कौन सा समाचार प्रकाशित इन्होंने किया था? तो जेल दुर्दशा, पुष्प की अभिलाषा, श्री कृष्ण जन्म स्थान या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, श्री कृष्ण जन्म स्थान। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने अंग्रेजों द्वारा जो जेल बंदियों के अत्याचार पर आधारित उन्होंने श्री कृष्ण जन्म स्थल समाचार प्रकाशित किया था। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, श्री कृष्ण जन्म स्थान इन्होंने समाचार प्रकाशित किया था। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा ने जो कि अंग्रेजों के द्वारा जेल बंदियों के अत्याचार पर इसको जो कि समाचार प्रकाशित किया गया था। क्वेश्चन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल से जो कि मिडिवल हिस्ट्री का स्टार्ट करेंगे, छत्तीसगढ़ का आधुनिक का जो कि 200 क्वेश्चन कम्प्लीट हो गए हैं, जो कि सारे एग्जाम पे जो कि क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।